आपण पाहत आहात भारतीय जनमत आपला चॅनल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पर्वतराज पुरोहित। आप देख रहे हैं भारतीय जनमत न्यूज। आइए जानते हैं मुख्य समाचार। महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन निगम MSRTC के कर्मचारियों की हड़ताल ने राज्य भर में बस सेवाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है। बुधवार सुबह 8 बजे तक 4 और डिपो बंद हो गए, जिससे बंद डिपो की कुल संख्या 63 हो गई है। मंगलवार को औद्योगिक न्यायालय ने इस हड़ताल को अवैध करार दिया था, लेकिन इसके बावजूद हड़ताल तेज हो गई और ज्यादा कर्मचारी इसमें शामिल हो गए। MSRTC के एक प्रवक्ता के मुताबिक 63 डिपो पूरी तरह बंद है, 73 डिपो पर आंशिक संचालन जारी है और 115 डिपो पूरी तरह चालू है। यह हड़ताल मुख्य रूप से वेतन से संबंधित मुद्दों को लेकर है, जिसमें MSRTC कर्मचारियों की वेतन राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान करने की मांग की जा रही है। इस बीच आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री और हड़ताली कर्मचारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। गणेश भक्तों के लिए भी आज भारी परेशानी हो सकती है, क्योंकि मुंबई, ठाणे और पालघर से कोंकण जाने वाली 1000 गणपति विशेष बसें आज रद्द हो सकती है। आपण पाहत आहात भारतीय जनमत आपला चॅनल।